नमस्कार। 16 नवंबर 2023 दिन बुधवार, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपका कैसे जाने वाला है, ये आपके मन में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। पूरे साल मान सम्मान प्रतिष्ठा में ग्रोथ करेंगे आप। धन की बात करें तो धन में वृद्धि का योग बनेगा। भगवान गणपति बप्पा की पूजा अर्चना अवश्य करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत रही थी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप डाउन आपका रहेगा। गाड़ी या प्रॉपर्टी मकान के प्रबल योग बनते हैं। गाड़ी या वाहन या मकान, न्यू मकान का निर्माण करना, ये स्थिति आपके पूरे साल बनी रहेगी। और कुछ ना कुछ चीजें आपके जीवन में इस प्रकार की गाड़ी वाहन या प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ ना कुछ चीजें आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थी की बात करें हम तो विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, सफलता यहां पर मिलती हुई नजर आ रही। लंबे समय से संतान की चाह रखने वाले, उनकी भी माता पिता को संतान का सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। शत्रु की बात करें तो शत्रुओं का यहां पर विनाश होगा, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन आप की जय ही होगी। किसी भी क्षेत्र में अगर आप मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपकी जय होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें पर्सनल जीवन की, तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा मनमुटाव आपको बनता हुआ दिखेगा। इस साल पूरे साल अपने जीवन साथी के साथ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में रहिएगा। विचार दोनों जन का सेम होना चाहिए, अन्यथा वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। और स्थिति यहां तक भी बन रही है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस और दूरियां बन सकती हैं। कोई पुराना रोग है आपको तो वो उभर करके ऊपर आ सकता है, बाहर आ सकता है। लंबे समय से जो ट्रीटमेंट चल रहा था, जो दवाइयां चल रही थी, वो शायद आपने छोड़ दिया होगा, इसके कारण से आ रही है। या कोई अन्य रीजन भी हो सकता है, या नई बीमारी उत्पन्न होने के चांस बन सकते हैं। भाग्य आपका पूरा साथ देगा, भाग्य से ही धर्म के वृद्धि होने के संयोग बनेंगे। साथ में बिजनेस में आप काफी अच्छा करने वाले हैं, बिजनेस में आप तरक्की करेंगे। नौकरी में पदोन्नति होने के योग बनते हैं, इंक्रीमेंट बनने का आपका योग बनता है और इसमें धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। नया कोई काम अगर करने का आपने सोचा है तो आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ये साल अच्छा जाने वाला है। लाभ की अगर बात करें तो पूरे साल में अगर आप टोटल करेंगे अपने फाइनेंस को, तो कम से कम आपको 30% की बढ़ोतरी अपने फाइनेंस में देखने को प्राप्त होगा। उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम करना है गणपति बप्पा की आराधना पूजा। जितना आप करेंगे आपके लिए अति उत्तम रहेगा। यात्राएं आपकी होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। हो सकता है कुछ पूजा अर्चना या पाठ या कथा इत्यादि घर में, परिवार में आपके हो सकता है। ये सार्वधिक शुभ होने का संकेत देता है। इससे मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मैंने पहले बताया। तो ये स्थिति जो है आपकी होनी है। तो अब उपाय क्या करेंगे आप, जो पूरे साल आपको करना है, गणपति बप्पा की पूजा आराधना करेंगे भगवान शिव की। साथ में सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन पंचामृत का अभिषेक करेंगे, इससे मान सम्मान की वृद्धि होगी। सूर्य नारायण देव को, भुवन भास्कर जी को जल अर्पित अवश्य करें और हर रविवार के दिन सूर्य नारायण को जल, गुड़ और थोड़ा चावल जो साबुत हो डाल करके भुवन भास्कर को आपको जल अर्पित करेंगे। निरोगी काया, आंखों से होने वाली प्रॉब्लम्स या कोई चोट चपेट लगने का ये खतरा आपके ऊपर से टल जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे साल का जो है कि आप निवारण करेंगे, उपाय करेंगे अपने साथ साथ में, निश्चित रूप से कि ये साल जो है आपका बहुत ही बेहतर जाने वाला है। नमस्कार।